बंधन बैंक, आपको कल मैंने लिखवाया था कि आरबीआई ने बंधन बैंक को नई ब्रांच खोलने की अनुमति दे दी, कल हमने इस बारे में बात की थी। लेकिन अब क्या है कि बंधन बैंक को 40 नई ब्रांच, 40 नई ब्रांच खोलने की अनुमति दे दी गई। कितनी ब्रांच खोलेगा बंधन बैंक? 40 नई ब्रांच खोलेगा। तो आरबीआई ने बंधन बैंक को 40 नई ब्रांच खोलने की अनुमति दे दी। सेक्स टॉर्शन को उसको इन्वर्ट कॉमा कर लेना, सेक्स टॉर्शन को अपराध, सेक्स टॉर्शन को अपराध घोषित करने वाला, सेक्स टॉर्शन को अपराध घोषित करने वाला प्रथम राज्य जम्मू कश्मीर बन गया है। अगर आपको याद हो मैंने कल लिखवाया था कि ऊंचे पद पर बैठे अधिकारी विश्वास संबंधी अगर यौन शोषण का आरोप लगता है तो उसको अपराध माना जाएगा। तो सेक्स टॉर्शन मतलब क्या कि यौन शोषण करने के लिए डराना है, चमकाना है, इस तरह धमकाना, तो सेक्स टॉर्शन को अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। वो ऐसा करने वाला जम्मू कश्मीर पहला राज्य बन गया है, 29 राज्यों में पहला राज्य ऐसा बन गया है जिसने यौन शोषण सेक्स टॉर्शन को अपराध की श्रेणी में गिनती में ला दिया। ठीक है, इको निवास, इको निवास योजना ऊर्जा एवं विद्युत मंत्रालय ने लॉन्च की है। इको निवास योजना ऊर्जा एवं विद्युत मंत्रालय ने लॉन्च की है। जैसा आपने देखा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत बहुत सारे घर बना के दिए, तो इको निवास योजना में क्या करेंगे, कुछ ऐसे घर बना के देंगे जहां बिजली का बिल क्या आएगा, बहुत कम आएगा। जैसे आप देखो किसी का घर है इन्वर्टर रहता है, यहाँ पर हमको दिन भर लाइट जलाना पड़ती है, क्या अंधेरा आता है। तो इको निवास में ऐसे घर बनेंगे जहां पर बिजली कम जलेगी तो विद्युत की खपत क्या होगी, बहुत कम होगी। ठीक है, तो ये योजना ऊर्जा और विद्युत मंत्रालय ने लॉन्च की है इको निवास। पूछ सकता है आपसे कि इको निवास योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है, ऊर्जा और विद्युत मंत्रालय, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ये मंत्रालय। ठीक है, आगे लिखिए जलवायु परिवर्तन पर COP 24 सम्मेलन पोलैंड में आयोजित किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर कॉप सम्मेलन पोलैंड में आयोजित किया जाएगा। वर्ल्ड टूर फाइनल का खिताब, वर्ल्ड टूर फाइनल का खिताब पीवी सिंधु ने जीत लिया है। वर्ल्ड टूर फाइनल का खिताब पीवी सिंधु ने जीत लिया है। देखो दोनों पीवी सिंधु और साइना नेहवाल, बताया था मैंने दोनों के कोच कौन है, पुलेला गोपीचंद। ठीक है, जिन्होंने रूस ने दुनिया का पहला रूस ने
दुनिया का पहला तैरता हुआ, उसको इन्वर्ट कॉमा लगा लेना, रूस ने दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में सिंगरौली है ना मैडम, अब बहुत बड़ी बात है कि ऊर्जा संयंत्र मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, और पानी का करंट लगता नहीं क्या? लेकिन रूस ने पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र बना दिया। ठीक है, आगे लिखिए, भूपेश बघेल ने कांग्रेस के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ में शपथ ली। आपको कल एक बार था, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं, और छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल तीसरे मुख्यमंत्री बने। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भूपेश बघेल कांग्रेस के कौन से मुख्यमंत्री दूसरे, वो पहले अजीत जोगी जो बने थे वो कांग्रेस के थे, फिर रमन सिंह बने वो बीजेपी के थे, और भूपेश बघेल जो बने वो कांग्रेस के। तो छत्तीसगढ़ में पता है कांग्रेस के दो मुख्यमंत्री है, दूसरे नंबर के भूपेश बघेल है, पहले नंबर के अजीत जोगी, और पहले नंबर के जो एकमात्र बीजेपी के वो है डॉक्टर रमन सिंह। ठीक है, आगे लिखिए, लिंक एसईओ लिंक एश्योर चीन की एक कंपनी है। लिंक एश्योर चीन की एक कंपनी है जो पूरे विश्व में निशुल्क वाईफाई के लिए निशुल्क वाईफाई के लिए 272 सैटेलाइट मतलब उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च करेगी। आगे लिखिए, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल मणिपुर में आयरिंग नदी पर बनाया जा रहा है। आगे लिखिए, ट्रिपल ए दैट मीन्स एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स, ट्रिपल ए एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स 2018 में बेस्ट इंटरटेनमेंट होस्ट का पुरस्कार
सलमान खान को दिया गया है? बेस्ट एंटरटेनमेंट होस्ट का पुरस्कार सलमान खान को दिया गया। अब बेस्ट एंटरटेनमेंट होस्ट क्या होता है? सबसे पहली बात मैं बता दूं आपको, आप देखते हो कोई प्रोग्राम जब आता है, रियलिटी शो आता है, और उसमें जो होस्टिंग करते हैं, जैसे केबीसी में अमिताभ बच्चन करते हैं, सत्यमेव जयते आता था उसमें आमिर खान करते थे, दस का दम या बिग बॉस सलमान खान करते हैं, तो जो बेस्ट होस्टिंग होता है कपिल शर्मा का शो में कपिल शर्मा करता है, जो प्रोग्राम को होस्ट कर रहा है, तो बेस्ट एंटरटेनमेंट होस्ट का पुरस्कार जो है वो एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड के द्वारा सलमान खान को दिया गया। टॉप पर क्या है? सलमान खान को पुरस्कार ये दिया। ठीक है, आगे लिखिए रानिल विक्रम सिंघे। रानिल विक्रम सिंघे 51 दिनों के बाद, रानिल विक्रम सिंघे 51 दिनों के बाद दोबारा श्रीलंका के प्रधानमंत्री चुने गए। रानिल विक्रम सिंघे 51 दिनों के बाद दोबारा श्रीलंका के प्रधानमंत्री चुने गए। एक्चुअल में 26 अक्टूबर 2018 को श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है मैत्रीपाला सिरीसेना, उन्होंने रानिल विक्रम सिंघे को पद से बर्खास्त कर दिया था और महिंदा राजपक्षे जो वहां के पूर्व राष्ट्रपति थे उनको प्रधानमंत्री पद पर क्या किया था, नियुक्त किया। लेकिन रानिल विक्रम सिंघे ने विरोध किया था और जो महिंदा राजपक्षे जिनको रानिल विक्रम सिंघे की जगह क्या बनाया था, प्रधानमंत्री बनाया था, तो रानिल विक्रम सिंघे ने इसका विरोध किया था कि ये जो मेरी जगह हटाकर डायरेक्टली इनको बनाया है महिंदा राजपक्षे को, ये गैर संवैधानिक गलत तरीके से बनाया। तो रानिल विक्रम सिंघे ने क्या करा, अपना इस्तीफा दिया है। बिना इस्तीफा दिए महिंदा राजपक्षे को क्या बना दिया, प्रधानमंत्री। किसने? मैत्रीपाला सिरीसेना जो राष्ट्रपति है। फिर वहां पर वोटिंग वगैरह हुई, आपको दो तीन बार लिखवाया था मैंने, वोटिंग वगैरह हुई और फिर फाइनली जो वहां की उच्चतम हाईकोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने फैसला दिया कि महिंद्रा राजपक्षे को क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा और रानिल विक्रम सिंघे को दोबारा प्रधानमंत्री नियुक्त करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद रानिल विक्रम सिंघे को 51 दिन के बाद दोबारा क्या बनाया गया, श्रीलंका प्रधानमंत्री। तो अब वर्तमान में श्रीलंका प्रधानमंत्री कौन है, रानिल विक्रम सिंघे। किसी जगह पर बने ये महिंद्रा राजपक्षे जो वहां के क्या थे, पूर्व राष्ट्रपति, लेकिन वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, मैत्रीपाला सिरीसेना। ठीक है, आगे लिखिए भारत के चार पीएसयू जो हथियार बनाते हैं उसको बोलते केंद्र को, भारत के चार पीएसयू को दुनिया के, भारत के चार पीएसयू को दुनिया के 100 शीर्ष हथियार उत्पादक, सौ शीर्ष हथियार उत्पादक केंद्रों की सूची में, केंद्रों की सूची में स्थान दिया गया है। मतलब दुनिया के जो 100 शीर्ष हथियार उत्पादक केंद्र है जहां हथियार बनते हैं उसमें भारत के भी 4 केंद्रों को स्थान दिया गया है। ठीक है, आगे लिखिए फोर्थ ग्लोबल, फोर्थ ग्लोबल WHO फोरम जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो सम्मेलन हो रहा है, फोर्थ ग्लोबल WHO फोरम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। फोर्थ ग्लोबल WHO फोरम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। पहला जो हुआ था ग्लोबल WHO फोरम वो हुआ था बैंकॉक, मतलब थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ था। दूसरा और तीसरा जो हुआ था वो जेनेवा में हुआ था और चौथा कहां पर हो रहा है,
आंध्र प्रदेश। एनआरटीआई जल भी हमने लिखा था, नेशनल रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय रेलवे परिवहन संस्थान का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। कल आपको लिखवाया था मैंने, एनआरटीए को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है ना। तो ऐसा करने वाले रूस चीन के बाद भारत कौन सा देश बन गया था? तीसरा देश बन गया था। कहां पे गया था? वडोदरा। कल लिखवाया था मैंने। तो क्वेश्चन पूछता आपसे, एनआरटीए नेशनल रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात। गुजरात में कहां किया गया? वडोदरा। और कौन सा देश बन गया है राष्ट्र को समर्पित करने वाला? तीसरा। कौन? भारत। इससे पहले कौन है? रूस और चीन। आगे लिखिए, 16 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता जिसको बोलते हैं टोलरियंस, दिवस मनाया जाता है। देखिए, सहिष्णुता का मतलब होता है, आपने दो चीज सुनी होगी, हिंसा और अहिंसा। हिंसा मतलब उपद्रव फैलाना, दंगे करना, लड़ाई झगड़े करना, और अहिंसा मतलब जो शांति के लिए काम करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय असहिष्णुता दिवस, टॉलरेंस डे, मतलब जो शांति के लिए काम करते हैं वो दिवस मनाया जाता है। ठीक है। बिल्कुल। हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब, हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब बेल्जियम, हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब बेल्जियम ने अपने नाम कर लिया है। आपको पता है, मैंने बताया था अभी, भुवनेश्वर जो ओडिशा की क्या है, राजधानी है, भुवनेश्वर में हॉकी का वर्ल्ड कप चल रहा था। ठीक है। कल आपको लिखवाया था कि बेल्जियम पहला देश बना है जिन्होंने हॉकी के वर्ल्ड कप में पहली बार प्रवेश किया। कल फाइनल था तो बेल्जियम ने हॉकी वर्ल्ड कप खिताब जीत लिया है, हराया है नीदरलैंड को। इसको हराया है नीदरलैंड को। नीदरलैंड की जगह आपको हॉलैंड भी आ जाता है तो नीदरलैंड हॉलैंड एक ही है। ठीक है। तो बेल्जियम ने जीता है, जो भुवनेश्वर में भी हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, खिताब किसने जीता? बेल्जियम। और इसका जो फर्स्ट रनर अप है, मतलब उपविजेता कौन रहा है? वो नीदरलैंड हॉलैंड। आगे लिखिए, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान में उत्कृष्ट योगदान के लिए, स्वच्छ भारत अभियान में उत्कृष्ट योगदान के लिए चैंपियन ऑफ चेंज का पुरस्कार शैलेंद्र वर्णवाल को दिया गया। चैंपियन ऑफ चेंज का पुरस्कार शैलेंद्र वर्णवाल को दिया गया। 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, जहां से सोनिया गांधी और ये प्रियंका गांधी चुनाव लड़ते हैं, 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 1100 करोड़ की परियोजनाओं का
1100 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर ₹100 के सिक्के का अनावरण करेगी। अभी 25 दिसंबर को स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस आएगा 25 दिसंबर को, तो उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य पे केंद्र सरकार ₹100 के सिक्के का अनावरण करेगी। अभी हाल ही में 2 महीने पहले ₹75 के सिक्के का अनावरण किया गया था, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर किया गया था। क्वेश्चन आ सकता है कि ₹75 के सिक्के का अनावरण किसके नाम पर किया गया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। और ₹100 के सिक्के का अनावरण किसके नाम पर करेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस सुशासन दिवस के नाम से जाना जाता है, किस नाम से मनाते हैं? सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे। सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, किसी भी राज्य का जो पुलिस का सबसे बड़ा मुखिया जो होता है वो होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने जम्मू कश्मीर के लेह जिले में, एक जिला है जम्मू कश्मीर का लेह, लद्दाख का नाम सुना होगा आपने, लेह जिले में पहले महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया। मतलब जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह जो है, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लेह जिले में महिलाओं के पहले पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया। फेठही तूफान आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट पर पहुंच गया है। जिसकी स्पीड 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। फेठही तूफान आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट पर पहुंच गया है, जिसकी स्पीड कितनी है? 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा। भारतीय नौसेना ने दैट मीन्स नेवी के चीफ कौन है? सुनील लांबा। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर हरियाणा में स्थापित किया। मतलब
नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र के लिए जो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है वो कहां स्थापित किया? हरियाणा। ठीक है, आगे लिखिए मिस यूनिवर्स 2018 का खिताब, मिस यूनिवर्स 2018 का खिताब कैट्रियोना ग्रे जो फिलीपींस की महिला है, मिस यूनिवर्स 2018 का पुरस्कार कैट्रियोना ग्रे को प्रदान किया गया। लारा दत्ता और सुष्मिता सेन ये भी दोनों मिस यूनिवर्स रह चुकी है भारत की तरफ से, लारा दत्ता और सुष्मिता सेन। लारा दत्ता के पति का नाम क्या है? लिएंडर पेस, जो टेनिस का खिलाड़ी है लिएंडर पेस, वो लारा दत्ता के क्या है? पति। आगे लिखिए मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 का खिताब श्री सेनी को दिया गया, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 का पुरस्कार श्री सेनी को दिया गया। पश्चिम बंगाल के बंगाली गायक अरुण भादुड़ी का निधन हो गया। पश्चिम बंगाल के बंगाली गायक अरुण भादुड़ी का निधन हो गया। 37th सीनियर रोइंग चैंपियनशिप रोइंग समझते हो ना, नाव में बैठकर नाव से जो बड़े बड़े डंडे आते हैं जो उसके थ्रू उसको आगे बढ़ाते जाते हैं, बहुत सारे ग्रुप में चलती है रोइंग। चलिए 37th सीनियर रोइंग चैंपियनशिप का शुभारंभ महाराष्ट्र में किया गया। इंडोनेशिया के माउंट सोपुतान इंडोनेशिया के माउंट सोपुतान ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया जिसके कारण 7.5 किलोमीटर ऊंचाई तक लावा और राख, जो ऐश होती है राख, लावा और राख हवा में उछले, 7.5 किलोमीटर तक लावा और राख हवा में उछले। चेन्नई में आयोजित कार्यक्रम के दौरान
बिहार के सिलाव खाजा नोट करिए व्यंजन है, सिलाव खाजा को जीआई टैग प्रदान किया गया। जैसे वो कड़कनाथ को किया गया था बीच में भी है ना, और लीची को चेरी को किया गया था, तो उसी प्रकार चेन्नई में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें बिहार के नालंदा जिले का व्यंजन है सिलाव खाजा, उसको जीआई टैग प्रदान किया गया। आगे लिखिए 25 सबसे तेज, 25 सबसे तेज टेस्ट शतक, 25 सबसे तेज टेस्ट शतक लगाने वाले, 25 सबसे तेज टेस्ट शतक लगाने वाले विराट कोहली दुनिया के, विराट कोहली दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए। मतलब विराट कोहली ऐसा प्लेयर बन गया है जिसने टेस्ट मैचों में सबसे तेज 25 शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। आपको पता है कि टेस्ट मैच में एक टीम दो बार बैटिंग करती है, तो एक बार बैटिंग करी मतलब एक इनिंग, भले टेस्ट मैच एक खेला है लेकिन दोनों पारियों में अगर उसकी बैटिंग आ रही है तो वो दो इनिंग कहलाएगी। ओके, पहले नंबर पर जो प्लेयर है उनका नाम है डॉन ब्रैडमैन, ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है डॉन ब्रैडमैन, इन्होंने सबसे तेज टेस्ट मैच में 25 शतक मारे थे और ये खिताब बनाया था, ये रिकॉर्ड बनाया था 68 पारियों में 25 टेस्ट शतक मार दिए थे। दूसरे नंबर पे कौन आ गया है, विराट कोहली, जिन्होंने 127 पारियों में 25 टेस्ट शतक मारे। और तीसरे नंबर पर जो खिलाड़ी है उसका नाम है सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 130 पारियों में 25 टेस्ट शतक सबसे फास्ट मारे थे। दो डेटा कलेक्ट हो गए, विराट कोहली दुनिया का सेकंड नंबर का प्लेयर बन गया है जिसने सबसे कम पारियों में 25 टेस्ट शतक मारे, लेकिन भारत का वो पहला बन गया है क्योंकि टॉप तीन में भारत के दो ही है और ऑस्ट्रेलिया का एक है, तो दुनिया के हिसाब से विश्व के हिसाब से पूछे तो दूसरे नंबर पर, लेकिन भारत के हिसाब से पूछे तो वो पहले नंबर पर। ठीक है, चलिए भारत ने मालदीव देश को 1.4 बिलियन, भारत ने मालदीव देश को 1.4 बिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की। भारत ने मालदीव देश को 1.4 बिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की। आगे लिखिए खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने दिल्ली में सोल्जराथॉन को ध्वजांकित किया, सैनिकों के लिए नई स्कीम का इनॉग्रेशन किया। 1984 सिख दंगों
आपको याद होगा 1984 में सिख दंगे होते इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में, है ना, वो फाइल बहुत दबी हुई थी, पेंडेंसी वाली, मतलब 16-18-34 ईयर्स हो गए थे। 1984 के सिख दंगों में दिल्ली कांग्रेस के सांसद सज्जन कुमार, दिल्ली कांग्रेस के सांसद सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। कल एक फैसला आया था 1984 सिख दंगों के मामले में, तो दिल्ली कांग्रेस के जो सांसद थे सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। ओके, आगे लिखिए, हिंदू धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, अमेरिका में आई एम हिंदू अभियान शुरू किया गया। हिंदू धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अमेरिका में आई एम हिंदू अभियान जारी या शुरू किया गया। आगे लिखिए, पाकिस्तान चीन और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान चीन और अफगानिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ समझौता किया है आगे लिखिए, अशोक अमृतराज को, इनवर्ट कॉमा में लिखिए, फ्रेंच नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट अशोक अमृतराज को फ्रेंच नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे लिखिए, नोवाक जोकोविच को 2018 का नोवाक जोकोविच को 2018 का ITF नोवाक जोकोविच को 2018 का ITF चैंपियन चुना गया। आगे लिखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में 41 अरब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 41 अरब की परियोजनाओं का उद्घाटन किया 41 अरब की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। और इस मौके पर उन्होंने
उन्होंने टेबल बुक, उन्होंने एक टेबल बुक मेकिंग ऑफ कुंभ, मेकिंग ऑफ कुंभ का भी अनावरण किया। एक पुस्तक है टेबल बुक, इसका नाम मेकिंग ऑफ कुंभ। 2019 का जो कुंभ है वो इलाहाबाद प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। फैक्ट लिखिए, डेनमार्क के विदेश मंत्री, डेनमार्क के विदेश मंत्री एंडर्स सेमुएलसन दो दिन की भारत यात्रा पर आए हुए हैं। डेनमार्क के विदेश मंत्री एंडर्स सेमुएलसन दो दिन के भारत यात्रा पर आए हैं। फ्रांस के जो विदेश मंत्री है लिया जाए डारिया, वो भी दो दिन की यात्रा पर आए हैं। ठीक है, और मेरे 38 फैक्ट 17 दिसंबर के करंट अफेयर हो। ठीक है,